आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंग की कितनी महिमा है तो नंदी जी बताते हैं कि लिंगम प्राधान्यतः स्थाप्यम तथा वैरम तु गौणकम लिंगाभावेन तत्क्षेत्रम सवेरम अपि सर्वतः। बोले लिंग की ही प्रधानता है। शिवलिंग स्थापित करने के बाद आपने अगर मूर्ति भी साथ में लगाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मूर्ति लगाई है शिवलिंग नहीं है तो बोले वो इतना शोभा नहीं देता है। बोले वैरम तथा वैरम तु गौणकम, बोले मूर्ति तो गौण है, लगा दिया तो अच्छी बात है लेकिन शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। तो शिवलिंग के विषय में बताया। तो महाराज ये बताइए, अब अगला अध्याय ऋषय ऊचू एक प्रश्न और कर दिया कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य, लिंग कैसे स्थापित करना चाहिए, कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समव्यर्चम देशे काले चके नहीं। महाराज ये बताइए कथम लिंगम, लिंग कैसा होनी चाहिए, कथम प्रतिष्ठाप्यम कैसे उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण है, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, तत्समभ्यर्चम ये सब बताइए। तो फिर उसके बारे में विस्तार से अलग अलग विषय में बताया और फिर ये कहा कि ये न लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। प्रयास ये करना चाहिए कि लिंग और जो उसकी जो पीठ होती है नीचे की, जिसको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, वो एक ही पत्थर की हो तो अति उत्तम कहा गया है। यत ये न लिंगम तेन पीठम, जिसके द्वारा लिंग बना हो उसी पत्थर की उसी गुणवत्ता, क्योंकि पत्थरों की भी अपनी अपनी जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती है, तो जिस लिंग का लिंग हो उसी की पीठ भी होनी चाहिए। अच्छा महाराज, अगर हमने लिंग स्थापना करवानी है तो फिर कितना बड़ा लिंग होना चाहिए। लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलमुत्तमम न्यूनम चेत फलमल्पम स्यात् अधिकम नैव दुष्यते। बोले लिंग प्रमाणम कर्तृणाम, जो कर्ता है अर्थात जो यजमान है, जो लिंग की स्थापना करा रहा है, घर की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, घर का प्रमाण अलग है। तो बोले द्वादशांगुलम उत्तमम, द्वादश अंगुल तो कम से कम होना चाहिए। तो अंगुल को कैसे गिनते हैं, ऐसे में गिना जाता है, ऐसे कितने हो गए 8 और कितने हो गए 12, अर्थात लगभग 1.25 फीट के आसपास हो गया, ठीक है। तो बोले 12 अंगुल कम से कम होना चाहिए और न्यूनम चेत फल मल्पम, अगर इससे कम कर दिया तो बोले फल कम होता चला जाएगा और फिर शास्त्र की अवहेलना का भी पाप लगेगा, बोले और फल भी कम हो जाएगा। न्यूनम चेत फल मल्पम स्यात्, बोले अगर अधिक हो गया तो, बोले अधिकम नैव दुष्यते, अधिक लगाने से कोई दोष नहीं है, जितना अधिक होगा उतना अच्छा ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय।